ये देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, शो दैट मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मॉड बी वेक्टर ए वेक्टर फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, सो टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ देयर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। तो मैंने मान लिया अल्फा वेक्टर, मैंने इसको सपोज कर लिया, ये मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर ए वेक्टर, एंड बीटा वेक्टर मैंने इसे सपोज कर लिया मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मॉड बी वेक्टर ए वेक्टर। तो अगर ये दोनों दोनों का अगर स्केलर प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे के। तो अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर मस्ट बी जीरो आना चाहिए। तो देखिए वैल्यूज रख रहा हूं मैं, ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर और ये मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मॉड ऑफ सॉरी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमारा क्या होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब बच्चों यहां पर हम बात करें तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। ये बच्चों दरअसल इसकी फॉर्म होती है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सीधा फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ a वेक्टर b वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ b वेक्टर इंटू ए वेक्टर का स्क्वायर। तो ये देखिए हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर पूरे का स्क्वायर माइनस, और ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही टर्म हमारे आइडेंटिकल है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो हम कह सकते हैं हेंस द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स इज जीरो, देयरफोर द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बस यही हमको प्रूफ करना था।